वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल एंड यूनिक। आज हम स्टडी करने वाले हैं ट्रिपैनोसोमा की। तो ट्रिपैनोसोमा में सबसे पहले क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ट्रिपैनोसोमा होता क्या है? एक फ्लैजिलेटेड पैथोजेनिक पैरासाइट। गाइस, फ्लैजिलेटेड का मतलब फ्लैजिला, ओके? तो मतलब वो मोशन करेगा तो उसके पास फ्लैजिला होगा, ओके? नेक्स्ट क्या है? पैथोजेनिक है, यानी डिजीज कॉज करेगा आपको। तो आपको कॉज करेगा अगर आप में होगा, और एनिमल्स को कॉज करेगा अगर एनिमल्स में होगा। नेक्स्ट वर्ड है पैरासाइट, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाके रहे, वहाँ उसे फूड साथ साथ स्पेस प्रोवाइड करा जाए उसके लिविंग के लिए, उसकी लाइफ के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा जा रहा है उसकी पूरी लाइफ के लिए, तो उसे कहेंगे पैरासाइट। अब ये जो ट्रिपैनोसोमा है ये एनिमल्स में भी देखने को मिलता है आपको, और ह्यूमंस में भी, दोनों में ही सर्वाइव करता है ये। साथ ही साथ ये डिजीज़ कॉज करता है। अब फेटल डिजीज़ का मतलब क्या होता है गाइस? फेटल डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो, जो कि आपको मौत के करीब ले जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? फेटल डिजीज़। और जो डिजीज़ ये कॉज करता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रायपैनोसोमियासिस। अब ट्रायपैनोसोमियासिस याद करना बहुत मुश्किल है, जो ईजी नाम है वो है स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। साथ ही साथ ये कॉज करता है हमें चगास डिजीज़। अगर साउथ अमेरिका की आप हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें आपको ट्रिपैनोसोमा डिजीज़ जो कॉज करता है, विच इज चगास डिजीज, आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है चगास डिजीज। आगे हम इसकी लाइफ साइकिल में पढ़ेंगे कि चगास डिजीज कैसे कॉज होती है एक ह्यूमन को। अब बात कर लेते हैं, ये जो ट्रिपैनोसोमा है बिलोंग करता है बहुत ही बड़े फाइलम से, जिसका नाम है यूग्लिनोजोआ। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, जो इसका फाइलम का नाम है आपको यूग्लिनोजोआ याद रखना पड़ेगा। अब चलते हैं जो लाइफ साइकिल की तरफ। थोड़ा सा इसका पहले आप डायग्राम देख लीजिए। इसका डायग्राम कुछ ऐसा है। फ्लैजिलेटेड मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर आपको दो फ्लैजिला देखने को मिलेंगे, दो तरह के फ्लैजिला। एक फ्लैजिला जो कि फ्री होगा मूव करने के लिए, जिससे ही मूव करेगा, और दूसरा फ्लैजिला जिससे ही मूव, जो रिस्ट्रिक्टेड है, जो बाउंड है इसकी बॉडी से। अब जो दूसरा पार्ट है वो लाइफ साइकिल का है, कि इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है। तो इसकी लाइफ साइकिल होती है डाइजेनेटिक। अब डाई का मतलब टू, जेनेटिक मतलब दो जगह पे आएगी इसकी लाइफ साइकिल, ठीक है? सबसे पहले आएगी ह्यूमंस पे, फिर लीच में, या आप पहले कह लीजिए किसी भी इनवर्टिब्रेट्स में, फिर वर्टिब्रेट्स में। तो दो जगह इसकी लाइफ साइकिल आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले कैसी लाइफ साइकिल होगी? जो अगर ये ह्यूमंस में रहेगा तो वहाँ पे ब्लड सक करेगा, ब्लड में आपको मिलेगा ये वर्टिब्रेट्स के। अब वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं? ह्यूमंस होते हैं, तो इसलिए ब्लड मिलेगा आपको वर्टिब्रेट्स के। और अगर आप चाहें इसे देखना ट्रिपैनोसोमा को, तो ये आपको कहाँ मिलेगा? एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ब्लड सकिंग इनवर्टिब्रेट्स। अब एलिमेंट्री कैनाल में तो मिलेगा, लेकिन ब्लड सकिंग वाले ही इंसेक्ट में मिलेगा, जिसका नाम है टेस्टेसी फ्लाई, जिसमें मेनली देखने को मिलता है। लीचेस मिल जाएगा, टिक्स मिल जाएगा, और अदर इंसेक्ट्स में जो कि ब्लड सक को सक करते हैं ह्यूमंस में से या एनिमल्स में से, ठीक है? अब बात कर लेते हैं, मैंने आपको बता दिया फाइलम से, कौन से फाइलम से बिलोंग करता है। मेनली इसका स्ट्रक्चर देखना है, कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, और फिर आगे स्टडी करनी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ट्रिपैनोसोमा है गाइस, आपको इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल लग रहा होगा, ठीक है? अब हमने पहले पढ़ा है कि जो भी ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें होती है ना, तो उसके अंदर पेलिकल लाइनिंग ज़रूर होती है। ये हमने पहले भी पढ़ा था, अभी भी पढ़ा है, ठीक है? अब देखिए ये वाला एंड, इस एंड को मैं क्या बोलूँ, इस एंड को मैं कह दे रही हूँ ये वाला पोस्टीरियर एंड है, और ये वाला एंड कैसा है? ये वाला एंटीरियर एंड है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पॉइंटेड दिख रहा होगा, बट ये वाला पॉइंटेड नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो ये थोड़ा ऐसे एंड है, ठीक है? तो ये एंड थोड़ा ऐसे है ना, तो इसे कहते हैं ब्लंट, और इसे कहते हैं पॉइंटेड, कि बहुत पॉइंटेड एंड है। तो आप यहाँ पे ये वाली लाइन देख सकते हो, द इंटीरियर एंड इज पॉइंटेड एंड द पोस्टीरियर एंड इन ब्लंट। तो ये वाली लाइन क्लियर हो गई। साथ ही साथ ये कलरलेस है, इलोंगेटेड है, फ्लैटेंड है, ये सारी बुक वाली बातें हैं, ओके? और पेलिकल मैंने आपको बता दिया, इसकी जो बॉडी है वो पेलिकल से पूरी लाइन है, इसलिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है मूव करने में। साथ ही साथ अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो इसकी स्पीशीज़ है वो क्या है। इसकी स्पीशीज़ है, मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई है, ये है क्रूजी, ये इसका जीनस है, ट्रिपैनोसोमा जीनस है, और जो स्पीशीज़ है वो क्रूसी है। साथ ही साथ ये एक पैरासिटिक यूग्लिनॉइड है, जैसे कि मैंने आपको फाइलम में बताया इसका नाम है यूग्लिनोजोआ, फाइलम का नाम है। तो ऑलवेज ये क्या होगा? एक यूग्लिनॉइड, साथ ही साथ पैरासिटिक भी है। और मैंने आपको ये बता दिया कि ब्लड को सक करने वाले एलिमेंट्स में रहते हैं, साथ ही ब्लड में मिलते हैं इनवर्टिब्रेट्स के। तो ये ब्लड को सक करते हैं, फीड करते हैं ब्लड पे, साथ ही साथ लिम्फ भी करते हैं, ये आप और नोट कर लीजिए। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि फ्लैजिला मैंने आपको बता दिया,
यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बाहर की तरफ आपको क्या मिल रहा है, एक्टोप्लाज्म, यहाँ पे आपको इनर की तरफ मिल रहा है एंडोप्लाज्म। तो इनर मास इसका एंडोप्लाज्म है, बाहर वाला मास क्या है, एक्टोप्लाज्म। नीचे आते हैं थोड़ा तो यहाँ पे आपको मिलता है एक बहुत ज्यादा बड़ा ओवल शेप न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, उसके अंदर मिलता है आपको न्यूक्लियोसोम का, इस न्यूक्लियोसोम को एक और नाम कहते हैं, विच इज कैरियोसोम। तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है, न्यूक्लियोसोम, जिसके अंदर डीएनए कंटेंट है। ओके, अब थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे थोड़ी बेसल, यहाँ पे जो अलग अलग ही जो आपको सर्कल्स दिख रहे हैं, ये क्या है, ये थोड़े से छोटे छोटे पार्टिकल्स है जिनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल है। ओके, अब ये बेसल ग्रैन्यूल्स हैं जो कि स्टेनिंग में बहुत काम आते हैं, आगे बढ़ेंगे। अभी काइनेटोप्लास्ट क्या है, ये एक कॉन्स्पिशियस मास ऑफ डीएनए है, जहाँ पे सारा जो कॉन्स्पिशियस मास है डीएनए का वो इकट्ठा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटोप्लास्ट। अब देखिए, यहाँ सब कुछ मैंने आपको बता दिया कि कहाँ न्यूक्लियस है, कैसा है, यही सब कुछ आप यहाँ पे मेंशन है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको इजी रहेगा याद करने में। ओवल शेप न्यूक्लियस है इसका, साथ ही साथ इसमें जो एक नैरो बेंड दिख रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया है वो, जो कि आपको साइटोप्लाज्म में देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया काइनेटोप्लास्ट किसे कहते हैं, जो कि एम्प्टीड रहता है, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब जो ग्रैन्यूल्स की बात मैं कर रही थी, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया बेसल ग्रैन्यूल्स जो है, जो कि स्कैटर्ड है साइटोप्लाज्म में, ओके, वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली वॉल्यूमिक स्टेन्ड होता है, इसमें बहुत लार्ज है, लार्ज भी है, तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। साथ ही साथ इसमें मिलता है आरईआर का मतलब क्या है, यानी इसमें मिलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें आपको राइबोसोम्स उसके अपॉन में मिलेंगे। ओके, तो इसलिए बोल रही हूँ मैं से आरईआर, तो इसमें मिलता है आपको विद राइबोसोम्स। अब यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलेगा आपको। एक और बात जो मुझे बतानी थी वो ये है कि इसके अंदर गॉल्जी बॉडीज भी पाई जाती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी है इसके अंदर। अब पढ़ लेते हैं इसकी लाइफ साइकिल, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। चगास डिजीज मैंने आपको पहले ही बता दिया, चगास डिजीज ये कॉज करता है। अब ये देखिए, ये एक ह्यूमन है, ओके, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ह्यूमन को कट करेगा, कोई भी एक टेसी टेसी फ्लाई आएगी, वो ह्यूमन को कट करेगी, यहाँ से ब्लड सक करेगी, उसकी बॉडी में सक जाएगा हमारा ब्लड, और खुद अपने फीकल मैटर में क्या छोड़ जाएगी, क्या छोड़ेगी, वो है मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगो मेट्सिकेट्स। ओके, अब वो छोड़ गई किसमें, आपके ब्लड में, यहीं आसपास छोड़ गई फीकल मैटर करके। अब क्या होगा, वो आपके जो यहाँ पे कट लगा है, जो उसने कट कट बाइट किया है ना, तो थोड़ा सा आपका जो सेल्स है वो डैमेज हुए, तो वहाँ उस कट के थ्रू जो कि उसके सेल्स थे वो अंदर चले जाएंगे आपके ब्लड में। अब आपके ब्लड में यहाँ से तो उसने आपका ब्लड सक कर लिया और वो ये वाली टेस्टेसी फ्लाई चली गई। अब इसे हम ट्राइटोमिक बड भी कहते हैं। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अब दूसरी स्टेज आ गई, उस वो ब्लड सक के चली गई। अब यहाँ पे आपके ब्लड में क्या हो रहा है, आपके ब्लड में है मेटासाइक्लिक, मैंने यहाँ पे एमटी लिख दिया, इसकी शॉर्ट फॉर्म है एमटी, मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगेट्स आपके ब्लड में है, जो कि पेनिट्रेट कर रहे हैं बहुत सारे ब्लड सेल से। याद रखिएगा, उसे मैक्रोफेजेस भी मिलेंगी आपके ब्लड में, एपिथीलियम सेल्स भी मिलेंगे, उसे भी पेनिट्रेट करा उसने सबसे पहले। यहाँ पे आपके जो एपिथीलियल सेल है, उसके बाद उसे मैक्रोफेजेस मिल रहे हैं अंदर, बहुत सारे अलग अलग तरह के सेल्स मिल रहे हैं जिसके साथ वो फाइटिंग कर रही है, वो अपना सर्वाइवर के लिए फाइट कर रही है। तो मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगेट्स आपकी सेल्स को पेनिट्रेट करेंगी और ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी किसमें, एमेस्टिगेट्स में, एमेस्टिगोट्स में, ठीक है। अब ये ट्रांसफॉर्म हो गई, अब क्या होगा, अब ये बाइनरी फिजन करती जाएंगी, करती जाएंगी, करती जाएंगी, और आपकी पूरी बॉडी में फैलती जाएंगी, ठीक है। अब क्या होगा, इस कंडीशन में जब आपका ये हो रहा है ना, तो आपके जो लिम्फ है, जो आपकी लिवर है, जो आप सॉरी जो आपका लिवर है और जो आपकी स्प्लीन है, उसमें थोड़ी सी आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तो इसके सिम्टम्स होते हैं इस डिजीज के, कि हाँ पेशेंट को ये सारी हो रहा है, लेकिन ये आपका कब आएगा, जब आपकी ये वाली स्टेज तक आ जाएगा। अब वो बाइनरी विजन करता जा रहा है, करता जा रहा है, तो इंट्रासेलुलर एन अब क्या होगा, बाइनरी फ्यूजन करता जा रहा है, तो आपके जितने भी सेल हैं वो सारे डैमेज हो चुके हैं, उनके अंदर इंट्रासेलुलर एमेस्टिगेट्स बन चुके हैं। अब यहाँ पे जो इंट्रासेलुलर एमेस्टिगेट्स बन चुके हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे ट्राइपोमेस्टिगेट्स में। ओके, अब यहाँ पे ट्राइपोमेस्टिगेट्स बन चुके हैं। अब मैं यहाँ पे मेस्टिगेट्स बोल रही हूँ, वैसे मेस्टिगोट्स बोलते हैं, ओके, बट थोड़ा प्रोनंसिएशन का प्रॉब्लम है, सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पे ट्राइपोमेस्टिगेट्स बन चुके हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, वो सेल्स को बस्ट करेंगे
और भागेंगे कहाँ पे, आपके ब्लड स्ट्रीम्स की तरफ। अभी तक वो सिर्फ सेल में मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब वो पूरी आपकी ब्लड स्ट्रीम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब क्या होगा, दूसरी यहाँ पे टेसी टेसी फ्लाई आएगी इस लाइफ साइकिल में, जिसे क्या बोल रहे हैं, डायटोमिक बर्ड भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आपके ब्लड में क्या है, ट्राइपोमेस्टिगोइड्स, ठीक है, तो ये क्या करेगी, सक कर लेगी आपका ब्लड। तो इसके साथ साथ ब्लड जो सक करेगी उसके साथ आपके ये सारे सेल्स चले गए। अब इन सेल्स की एक और बात है, ये सेल्स आपके वैसे भी बस्ट हो जाएंगे अगर ये वाली टेस्टेसी फ्लाई ने अगर सक नहीं करा आपको। अगर इसने आपको सक नहीं करा तो क्या होगा, ये वाले कुछ देर बाद ये वाले खुद ही इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी और डेड हो जाएंगे आपकी बॉडी में, क्योंकि इतनी देर में आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएंगी इसके खिलाफ, इन सारे सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाएंगी जो कि किल कर देंगी इन सेल को। बट अगर उस टाइम तक आपको काट लिया किसने, चाय एटॉमिक बर्ड ने, तो वो सारा सक करके ले जाएगी, ट्राइपोमेस्टिगेट्स अपनी उसकी स्टमक में चले जाएंगे। अभी पूरी साइकिल किसकी है, उसकी स्टमक की, ये वाली सिर्फ जो है वो ह्यूमंस में होती है। ओके, अब जो हम पढ़ेंगे यहाँ इस तरफ वो सारी क्या होगी, जो कि टेस्टेसी फ्लाई के अंदर की हो रही है, तो उसकी स्टमक में गया सारा ब्लड। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है मिड गट का पार्ट, तो यहाँ पे ये इसका साइज बढ़ेगा, ये बनेगा एपीमेस्टिगेट्स। ओके, यहाँ पे इसका साइज बढ़ा है, एपीमेस्टिगेट्स बन रहा है। अब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई करेगा, ये सब कुछ कहाँ चल रहा है, इन मिड गट, मिड गट के अंदर टेस्टेसी फ्लाई के मिड गट के अंदर ये सब चल रहा है, मल्टीप्लाई करा इसने, अब ये बन गया मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगेट्स। ओके, मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिकेट्स में ट्रांसफॉर्म हो गया, अभी फुली मिच्योर है। ओके, ये कहाँ आया, हाइंड गट में, अभी हाइंड गट में है। अब हाइंड गट में होगा तो इजीली रिलीज करना, मतलब ये हाइंड गट में है तो ये रिलीज हो जाएगा किसके, फिकल बैटर के थ्रू, किसके, टेसी टेसी फ्लाई के थ्रू, फिर आपको ये काटेगी, फिर यही वाली साइकिल चलेगी। इसे कहते हैं चगस चगस डिसीज, जो कि मेनली देखने को मिलती है आपको कहाँ पे, विच इज साउथ अमेरिका। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इसके अर्ली डिटेक्शंस हैं वो ये है कि आपका स्वेलिंग आ जाएगी थोड़ी स्प्लीन में, लिवर में, तो हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं अगर ये बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेज पे है, ठीक है। बट अगर इस बहुत ज़्यादा रिस्क हाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं और आपने ये वाली डिजीज़ को डिटेक्ट नहीं करा है, आपको सिम्टम्स पता नहीं चले हैं, क्या होता है, ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है जो कि टेसी टेसी फ्लाई ने आपके फीकल अपने फीकल मैटर में आपके ब्लड में छोड़ा, विच इज मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगेट्स आपके ब्लड में छोड़ा, मैं आप इसे एम्प्टी कह दे रही हूँ, ये आपके ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगी, आपके ब्रेन में, विच इज सेरिबो स्पाइनल फ्लूड में जाएगी ये, और वहाँ पे चली जाएगी ना, तो क्या होगा, ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करेगी और आप जो मतलब पेशेंट है वो अपना कॉन्शियस खो देगा। तो यही वाली जो डिजीज है फिर क्या हो जाती है, अल्टीमेटली स्लीपिंग सिकनेस। ओके, तो फिर क्या होगा, ये वाला जो पेशेंट है वो कोमा में चला जाएगा और एंड क्या है, डेथ। तो ये तीन टैबलेट्स थी जो कि आपको पता होनी चाहिए कि जो चकास डिजीज में मेनली खाई जाती हैं प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। तो गाइज ये था पूरा ट्रिपैनोसोमा, आई होप आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।